गुड इवनिंग एवरी वन आवाज आ रही है वॉइस नहीं आ रही है चलिए एक बार चलिए देख लेते हैं एक बार देखना एक बार अब आ रही है आवाज गुड इवनिंग एवरी वन वॉइस नहीं आ रही है नहीं आ रही है अभी भी अब अब देखिए वॉइस आ रही है क्या गुड इवनिंग एवरी वन हेलो वॉइस आ रही है प्रॉपर क्लियर सुन पा रहे हैं सभी लोग मुझे यस चलिए वेरी गुड इवनिंग हाँ देखिए कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी अब आ रही है आवाज सब सुन पा रहे हो आप चलिए ठीक है वेरी गुड इवनिंग एवरी वन आज अपन एनिमल हजबेंड्री से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन आता है बीसवी पशु गणना 2019 के अनुसार भारत में भेड़ों की कुल संख्या बतानी है टोटल कितना नंबर है भेड़ों का फर्स्ट है 2.5 लाख सेकंड है एक लाख 109.85 मिलियन 74.26 मिलियन आंसर बताना है आपको भारत के अंदर भेड़ों की कुल संख्या कितनी है वेरी गुड इवनिंग ए बता रहे हैं अनिशा है ए बता रही हैं नेक्स्ट अगला देखिए वेरी गुड इवनिंग राम राम चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाइए अनीशा है वो ए बता रहे हैं नितेश है बी बता रहे हैं सहदेव डी बता रहे हैं चलिए नेक्स्ट सुनील कुमार वेरी गुड इवनिंग सुनीता बी बता रही हैं अंशु है बी बता रहे हैं दीपेंद्र मीना है बी बता रहे हैं नितेश प्रजापत बी बता रहे हैं सुरेंद्र है बी बता रहे हैं सोहन है डी बता रहे हैं नितिन है बी बता रहे हैं राम किशोर जाठ है ए बता रहे हैं सोहनलाल राठी है डी बता रहे हैं दो कुछ दो बता रहे हैं कुछ ए बता रहे हैं कुछ डी भी बता रहे हैं सब शायद मेरे को लगता है कि थोड़ा सा तुक्का ही लगा रहे हैं इस डेटा के क्वेश्चन में तो देख लेते हैं अपन सही आंसर क्या हो सकता है तो फर्स्ट अपन बात करते हैं पहले ऑप्शन की दो लाख है वो किसकी संख्या है भारत के अंदर ये क्या पाई जाती है तो 2.5 लाख है वो क्या पाए जाते हैं ऊंट पाए जाते हैं भारत के अंदर ऊंटों की कुल संख्या है 2.5 पॉइंट लैक्स सेकेंड आते हैं एक लाख है ये सॉरी लाख नहीं है ये मिलियन है ये मिलियन है वो क्या पाई जाती है एक मिलियन है वो क्या पाई जाती है बकरियां पाई जाती है कितनी पाई जाती है भारत में कुल बकरी है उन्नीसवी पशुगणना दो हजार उन्नीस के अनुसार 148.88 मिलियन बकरी पाई जाती है 2.5 लाख है वो ऊंट पाए जाते हैं 109.85 मिलियन है वो क्या पाई जाती है भैंसे पाई जाती हैं इसके अलावा अपन बात करते हैं 74.26 मिलियन लास्ट ऑप्शन बचा है बाकी सभी अपन ने देख लिए अलग अलग पशुओं की संख्या है भारत में पाए जाने वाले लास्ट जो ऑप्शन बचा है वो राइट right आंसर है अपना भारत के अंदर भेड़ों की संख्या कुल कितनी है 74.26 मिलियन है भारत में कुल भेड़े पाई जाती हैं। भारत के अंदर ये जो गणना है ये कौन आयोजित कराता है तो किसके द्वारा आयोजित कराई जाती है पशुपालन डेयरी विभाग और मत्स्य पालन मंत्रालय के द्वारा जो है ये भारत में पशुगणना आयोजित कराई जाती है हर पांच साल से पशुगणना आयोजित कराई जाती है और लास्ट जो पशुगणना थी वो बीसवीं पशुगणना थी 2019 के अंदर आयोजित कराई गई थी उसी के अनुसार डेटा अपन ने देखे हैं जो सबसे नए और करंट डेटा है उसके अनुसार भारत में भेड़ों की कुल संख्या 74.26 मिलियन है यह अपना फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला अपन अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सी बीमारी गोधन प्लेग गोधन प्लेक को कैटल प्लेग के नाम से भी जाना जाता है के रूप में जानी जाती है कौन सी बीमारी को कैटल प्लेग के नाम से जाना जाता है फर्स्ट आता है एंथ्रेक्स सेकंड ऑप्शन आता है खुर एवं मुंह पका रोग थर्ड आता है था रिंडर पेस्ट और फोर्थ आता है इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दीज कौन सी बीमारी गोधन प्लेग के रूप में जानी जाती है आंसर बताना है फर्स्ट ऑप्शन एंथ्रेक्स है खुरपका मोह पका रिंडर पेस्ट और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं टेलीग्राम पर जो भी क्वेश्चन है जो डेली अपन करते हैं सॉल्व वो टेलीग्राम पे आंसर की सहित आपको मिल जाते हैं चलिए नेक्स्ट देखिए उसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको चलिए नेक्स्ट अगला देखिए कौन सी बीमारी गोधन प्लेग के रूप में जानी जाती है सुनील है वो सी बता रहे हैं लव है वो सी बता रहे हैं नितिन है सी बता रहे हैं गणेश है नितिन है अमन है विजय है वो सी बता रहे हैं कुछ डी भी आंसर बता रहे हैं अनिशा है सी बता रहे हैं सोहन है सी बता रहे हैं नितेश है राम कुमार है देवीलाल है चेना चैन है ये सब तीन आंसर बता रहे हैं चलिए अपन देख लेते हैं कि क्या आंसर सही हो सकता है तीन है या डी है डी आंसर है तो कौन सी बीमारी को गोधन प्लेग प्लेग नाम आ रहा है तो प्लेग नाम से अपनी कौन सी बीमारी आती है पशु पशु प्लेग प्लेग आती है 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 ये कैसा रोग रोग किससे होने वाला तो गाय भैंस भेड़ बकरी के अंदर किससे होने वाला रोग है विषाणु या वायरस से होने वाला रोग है, तो है वायरस रोग जनित रोग रोगों में दो प्रमुख रोग आते हैं एक तो पशु प्लेग आता है और एक एफ जिसे खुरपका मोह रोग के नाम से जाना जाता है ये दो रोग आते हैं इनमें से आ, ये पशु प्लेग रोग है इसके अंदर प्लेग आ रहा है प्लेग से अपन क्या पता लगा सकते हैं कि ये पशु प्लेग बीमारी इसके अंदर जो है वो पशु प्लेग का ही दूसरा नाम अपने को देखना है पशु प्लेग रोग को इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है रिंडर पेस्ट के नाम से जाना जाता है तो अपना राइट आंसर है रिंडर पेस्ट राइट आंसर है अपना पशु प्लेग या कैटल प्लेग को रिंडर पेस्ट के नाम से भी जाना जाता है जबकि एंथ्रेक्स है वो जीवाणु जनित रोग है पशुओं में और खुरपका मोहपका रोग है वो विषाणु जनित रोग है इसके मुख्य लक्षण अपन देख लेते हैं कि क्या होते हैं जो रिंडर पेस्ट होता है उसमें रोगी पशु की है वो आहार नाल इससे प्रभावित होती है आहार नाल में छाले हो जाते हैं जिसके कारण पशु के जो है वो पशु की डेथ हो जाती है पशु की अचानक से मृत्यु हो जाती है ग्भिन पशु होते हैं उनका गर्भपात हो जाता है ये इस बीमारी के मेजर सिम्टम होते हैं और सभी बीमारियों के अंदर पशुओं का किसी भी तरह की कोई भी डिजीज हो उनके अंदर पशु के शरीर का तापमान है वो इंक्रीज हो जाता है तापमान है वो बढ़ जाता है नॉर्मल टेम्परेचर से लगभग तीन से लेकर पाँच डिग्री फॉरनाइट तक तापमान है वो इंक्रीज हो जाता है सिर्फ एक बीमारी को छोड़कर सभी बीमारियों में इंक्रीज हो जाता है कौन सी बीमारी है लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सक कर चुके हैं पर लास्ट क्लास के अंदर एक बीमारी आती है मिल्क फीवर जिसे दुग्ध ज्वर के नाम से जाना जाता है सिर्फ यही एक ऐसी बीमारी है यही एक ऐसी डिजीज है मिल्क फीवर, इसे कहते हैं। इस बीमारी के अंदर रोगी पशु के शरीर का तापमान थ्री टू फाइव डिग्री फॉरनइट कम हो जाता है बाकी सभी बीमारियों में इंक्रीज हो जाता है बढ़ जाता है सिर्फ इतना याद रखना है तो पूछा जाएगा तो बढ़ी भी बढ़ा हुआ तापमान नहीं पूछा जाएगा क्योंकि सभी बीमारियों में कॉमन है सिम्टम सिर्फ एक ही बीमारी है जो सबसे अलग है दुग्ध ज्वर के बारे में पूछा जाएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अलग पॉइंट है इस कारण पूछा जा सकता है एग्जाम यहाँ पे अपन बात कर रहे थे रिंडर पेस्ट की पशुओं का गर्भपात हो जाना शरीर पर छाले हो जाना और पशु की आहार नाल इससे प्रभावित होती है सिर्फ इतना याद रखना आपने को इस बीमारी के अंदर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अगला आता है जसवंत पशु मेला कहा आयोजित होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जसवंत पशु मेला कहाँ आयोजित होता है फर्स्ट ऑप्शन भरतपुर सेकंड नोहर नोहर हनुमानगढ़ के अंदर आता है थर्ड आता है जयपुर फोर्थ आता है नागौर राइट आंसर आपको बताना है जसवंत पशु मेला कहाँ आयोजित होता है जसवंत पशु मेला राम सिंह है वो स बता रहे हैं जगमोहन भी सी बता रहे हैं सुशील नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए गीता है ए बता रहे हैं अशोक है ए बता रहे हैं अनिल भी ए बता रहे हैं आशु है एक बता रहे हैं गोपाल एक बता रहे हैं सहदेव भी एक बता रहे हैं रंजीत है विष्णु है एक ही बता रहे हैं सभी लोग चलिए अपन देख लेते हैं ये जो क्वेश्चन है वो जैट है आईसीआर है सुपरवाइजर है बी एच यू है सभी तरह के एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम में इसी लेवल के क्वेश्चन है एनिमल हस्बेंड्री से वो पूछे जाते हैं तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपने आप अगर इन क्वेश्चन को जो है वो ध्यान से सॉल्व कर लोगे तो आपके अधिकतर चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगे क्योंकि एक ही क्वेश्चन में अपन चार पांच चीजें हैं वो क्लियर कर रहे हैं आपके सभी टॉपिक पूरा का पूरा टॉपिक है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा तो ध्यान से पढ़ना है अपने को अच्छे से चलिए अपन देखते हैं जसवंत पशु मेला कहाँ आयोजित होता है फर्स्ट ऑप्शन है भरतपुर भरतपुर अपना राइट right आंसर है जसवंत पशु मेले के लिए जसवंत पशु मेला है भरतपुर के अंदर आयोजित किया जाता है और इस मेले के अंदर हरियाणवी नस्ल के पशु है उनकी प्रदर्शनी लगाई जाती है उनके लिए ये फेमस जो है वो मेला होता है जसवंत पशु मेला इसके अंदर हरियाणवी नस्ल के पशुओं के लिए मेला भरता है दूसरा अपन बात करते हैं अदर ऑप्शन भी अपन देख लेते हैं नोहर हनुमानगढ़ है नोहर हनुमानगढ़ में कौन सा पशु मेला भरता है गोगा मेडी पशु मेला है वो नोहर हनुमानगढ़ के अंदर आयोजित होता है तो ये अपना सेकंड ऑप्शन है वो गोगा मेडी पशु मेला है इसके अलावा अपन देखें जयपुर में किसी तरह का पशु मेला आयोजित नहीं होता है नेक्स्ट अपन बात करते हैं नागौर की नागौर जो है वो पशु मेलों की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है सबसे इंपॉर्टेंट जिला है क्योंकि इसके अंदर राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले आयोजित होते हैं क्वेश्चन पूछा जाए देखो इसमें दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर दो तरीके के क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर कि सर्वाधिक पशु मेले राजस्थान में कहाँ आयोजित होते हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में आयोजित होते हैं तो राइट right आंसर अपना नागौर आता है अब इसके अंदर अलग अलग पशु मेले आते हैं कितने पशु मेले आयोजित होते हैं तो तीन प्रमुख पशु मेले हैं जो आयोजित कराए जाते हैं नागौर के अंदर आयोजित होते हैं कौन कौन से आते हैं तो उसके अंदर देखो एक तो अपने बलदेव पशु मेला आता है एक अपने जो है वो रामदेव पशु मेला आता है बलदेव पशु मेला आता है इसके अलावा इसमें रामदेव पशु मेला आता है और एक वीर तेजाजी पशु मेला आता है ये तीन पशु मेले आते हैं जो अलग अलग नागौर के अलग अलग जगह है अलग अलग क्षेत्र है वहां पर जैसे बलदेव है मेड़ता के मेड़ता सिटी नागौर के अंदर लगता है रामदेव पशु मेला है जो कि परब रामदेव जो है वो मानसर क्षेत्र के अंदर लगता है वीर तेजाजी है वो पर्बत सर के अंदर लगता है तो नागौर में अलग अलग जगह पर अलग अलग क्षेत्रों में ये मेले आयोजित किए जाते हैं सबसे ज्यादा पशु मेले आयोजित करने वाला जो जिला है वो नागौर है जिसके अंदर अलग अलग मेले अपन ने देख लिए हैं अपने, है। अपने क्वेश्चन का आंसर है जसवंत पशु मेला तो वो जो है वो भरतपुर के अंदर भरता है और वहां पर हरियाणवी नस्ल के पशु हैं उनके लिए ये आयोजित किया जाता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए अगला देखिए भारत में प्रथम पशु गणना कब आयोजित की गई भारत में प्रथम पशुगणना कब आयोजित की गई बहुत बार अपन ने हर जो जितने भी अपन ने क्वेश्चन ये सॉल्व कर रहे हैं हर डे को अपन ने एक एक क्वेश्चन जो है वो डेटा से रिलेटेड सॉल्व किया है तो अपन ने हर बार अपन ने देखा है कि अलग अलग जो पशुगणना है बीसी पशुगणना के अनुसार अलग अलग पशुओं की संख्या कितनी है लेकिन आज अपन देख लेते हैं कि पहली गणना है वो कब आयोजित कराई गई थी वैसे तो मैं हर क्लास में बताते हुए आ रही हूं। फिर भी अपन एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं इससे रिलेटेड ताकि आपको अच्छे से याद रहे भारत में गणना कब आयोजित की गई थी फर्स्ट ऑप्शन आता है 1910 में सेकंड आता है 1920, थर्ड आता है 1919 और फोर्थ आता है 2001 में भारत में प्रथम गणना कब आयोजित कराई गई थी आंसर बताना है धनराज है तीन बता रहे हैं झुट्ट लाल है वो सी बता रहे हैं बी बता, है, है, बता, है, 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 बता रहे हैं सिंगर है बी बता रहे हैं महिपाल है विजय है ओम प्रकाश है वो सी बता रहे हैं हरद्यांश है सोहन है तीन बता रहे हैं प्रदीप है निधि है कुछ आंसर दो भी बता रहे हैं कुछ उन्नीस सौ उन्नीस बता रहे हैं कुछ सी बता रहे हैं चलिए अपन देख लेते हैं कि राइट आंसर इसका क्या हो सकता है वैसे किसी का गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि हर क्लास में हर एक जगह पर जब भी अपने जो डेटा वाला क्वेश्चन आया है पशुगणना का क्वेश्चन आया है उस टाइम हर बार मैंने आपको बताया है कि बीसवीं पशुगणना दो uh, हजार के अनुसार जो जो डेटा है इसके अलावा प्रथम पशुगणना कब आयोजित कराई गई थी और कितने साल से आयोजित कराई जाती है वेरी गुड सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आपकी बहुत अच्छी तैयारी है मेरे ख्याल से आपका एग्जाम के अंदर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप इसी तरीके से पढ़ रहे हैं सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हैं तो बहुत अच्छा सबने सही आंसर बताया सबका राइट आंसर है बिल्कुल दो उन्नीस सौ उन्नीस पशुगणना जो है वो प्रथम पशुगणना 1919 में प्रारंभ की गई थी प्रथम पशुगणना कब प्रारंभ की गई थी 1919 में प्रारंभ की गई थी 1910 में भी नहीं हुई थी 20 में भी नहीं हुई थी 2001 में भी नहीं हुई थी राइट आंसर है अपना 1919 के अंदर प्रथम पशुगणना आयोजित कराई गई थी इस पशुगणना के अनुसार भारत के अंदर जो है वो टोटल गाय भैंस भेड़ बकरी मुर्गियाँ सभी तरह के पशु जो है उनके लिए अलग अलग गणना आयोजित कराई जाती है ये पशुगणना है हर पाँच साल से आयोजित कराई जाती है हर पांच साल से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग आयोजित कराते हैं एक तो सेंट्रल लेवल पर केंद्रीय स्तर पर जो है वो पशु गणना भारत सरकार के द्वारा कराई जाए कराई जाती है जो मत्स्य पालन डेयरी विभाग और मत्स्य मंत्रालय है उसके द्वारा आयोजित कराई जाती है और अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग स्टेट के द्वारा जो है वो आयोजित कराई जाती है राजस्थान के अंदर राजस्व मंडल अजमेर है उसके द्वारा पशु गणना आयोजित कराई जाती है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन अगला है राज्य या राजस्थान पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य मंत्रालय के वर्तमान पशुपालन मंत्री कौन है फर्स्ट ऑप्शन आता है नरेंद्र सिंह तोमर सेकंड आता है गिरिराज सिंह थर्ड आता है लालचंद कटारिया फोर्थ आता है नरेंद्र मोदी राइट right आंसर आपको बताना है राजस्थान में पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य पालन, पालन मंत्रालय के वर्तमान पशुपालन मंत्री कौन है फर्स्ट ऑप्शन नरेंद्र सिंह तोमर सेकंड ऑप्शन गिरिराज सिंह थर्ड ऑप्शन लालचंद कटारिया फोर्थ ऑप्शन नरेंद्र मोदी आपको बताना है वेरी गुड इवनिंग अजमेर राजस्व मंडल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए अशोक है बी बता रहे हैं महेंद्र दो बता रहे हैं अश्विनी है नेक्स्ट है अभिषेक है बी बता रहे हैं राम धाकर सी बता रहे हैं हरद्यांश बी बता रहे हैं चेतन चे, राम है दो बता रहे हैं माही है दो बता रहे हैं चलिए देख लेते हैं कुछ सी आंसर भी बता रहे हैं गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी क्योंकि लास्ट क्लास में अपन पढ़ चुके हैं हैं सभी पशु जो जो मंत्री जो मंत्री पशुपालन से संबंधित है केंद्रीय और राज्य मंत्री दोनों के बारे में मैं आपको बता चुकी विद फोटो आपको दिखाया गया है क्वेश्चन चलिए अपन देख लेते हैं फोटो देखकर पहचान सकते हो आप कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है कौन है ये पहचानो इस आदमी को कौन है ये राजस्थान के पशुपालन मंत्री का नाम बताना है आपने को चलिए राइट आंसर देखते हैं अपन कुछ दो आंसर बता रहे हैं कुछ सी आंसर बता रहे हैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं बता देती हूँ मैं आपको सही आंसर क्या है राजस्थान में पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य मंत्रालय कहो या फिर अपन कृषि मंत्री भी कह सकते हैं कृषि मंत्री भी यही है राजस्थान के अंदर अब भी आंसर आप बता सकते हो थोड़ा सा हिंट दे दिया है मैंने कृषि मंत्री भी यही है राजस्थान में इनमें से ही एक है और पशुपालन मंत्री भी इनमें से ही है इसी वही पशुपालन मंत्री है वही कृषि मंत्री है तो अपना राइट आंसर है लालचंद कटारिया कौन है राजस्थान के अंदर कृषि मंत्री भी लालचंद कटारिया है पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्री है वो भी कौन है लालचंद कटारिया ही है तो राइट आंसर है, कटारिया। कटारिया है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि बाकी कौन कौन है तो बाकी में कंफ्यूजन कैसे हुआ आपको तो देखिए नरेंद्र सिंह तोमर है वो केंद्रीय जो है वो कृषि मंत्री है केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है सिंह तोमर है फिर अपन बात करते हैं कौन है तो सेंट्रल के अंदर जो है वो पशुपालन मंत्री है वो गिरिराज सिंह है केंद्रीय पशुपालन मंत्री है वो गिरिराज सिंह है केंद्रीय कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर और राजस्थान के पशुपालन और कृषि मंत्री दोनों ही कौन है लालचंद कटारिया है और लालचंद कटारिया की ये फोटो है ये अपना क्वेश्चन हो गया है नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाइए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड नेशनल डेयरी डेवलपमेंटल बोर्ड जिसे एनडीडीबी के नाम से जाना जाता है शॉर्ट में कई बार पूछा जाता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंटल बोर्ड राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहां पर स्थित है फर्स्ट ऑप्शन आता है आनंद सेकेंड ऑप्शन आता है अहमदाबाद थर्ड ऑप्शन आता है करनाल फोर्थ ऑप्शन आता है पुणे राइट आंसर आपको बताना है चलिए राइट आंसर बताइए बताना है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ पर स्थित है सी बता रहे हैं दीपक जांगिड़ है ये बता रहे हैं नितेश है तीन बता रहे हैं आशु है पीयूष है जिनेन्द्र है हरदयांश है दीपक है सोहन है धनराज है कुछ एक बता रहे हैं कुछ दो भी बता रहे हैं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आपके जितने भी ग्रुप है उनमें ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए राम धाकड़ है वो एक बता रहे हैं चलिए अपन देख लेते हैं कि आंसर क्या हो सकता है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है नेशनल डेयरी डेवलपमेंटल बोर्ड कहाँ पर है फर्स्ट ऑप्शन आता है आनंद गुजरात तो ये अपना फर्स्ट ऑप्शन अपना राइट right आंसर है नेशनल डेयरी डेवलपमेंटल बोर्ड आनंद गुजरात में है अहमदाबाद में कोई संस्थान नहीं है करनाल के अंदर है वो इसके अंदर अपने को नहीं देखना है ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड सिर्फ आनंद के अंदर है पुणे के अंदर भी कुछ नहीं है अगला इसका जो संस्थान है वो किस तरीके से है कैसा फ्रंट से वो दिखाई देता है तो ये देखिए ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंटल बोर्ड है ये दोनों अपना राइट आंसर फर्स्ट आंसर है अहमदाबाद में कोई संस्थान नहीं है एग्रीकल्चर से संबंधित करनाल के अंदर जो है वो अपने करनाल के अंदर अपन बात करें तो पहले ही अपन देख चुके हैं एनडीआरआई है वो करनाल के अंदर है और पुणे के अंदर भी कोई संस्थान नहीं है सिर्फ ये दो ही है इन दोनों के अंदर अगला देखिए नेक्स्ट वायुरुद साइलो एयर टाइट साइलो में संग्रहित चारे को क्या कहते हैं वायुरुद साइलो जिन्हें एयर टाइट साइलो कहते हैं में संग्रहित चारा है उसको क्या कहा जाता है फर्स्ट ऑप्शन है हरा चारा सेकेंड ऑप्शन है भूसा थर्ड ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन आता है साइलेज यह संग्रहित चारा है एयर टाइट साइलो के अंदर जो किया जाता है वो क्या कहलाता है संग्रहित चारा क्या कहलाता है अतुल है ए बता रहे हैं प्रकाश है एक बता रहे हैं नरेंद्र है एक बता रहे हैं प्रिंस है पुरुषोत्तम वेरी गुड हरद्यांश है हाँ एनडीआरआई में करनाल है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए कर... एनडीआरआई करनाल में है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए बाबूलाल है वो चार बता रहे हैं हेमराज है वो एक बता रहे हैं अशोक है सी बता रहे हैं दीपक है सी बता रहे हैं नेक्स्ट है विजेंद्र है आशीष है अमित है ये सी बता रहे हैं कुछ साइलेज बता रहे हैं चलिए अपन देख लेते हैं वैसे ये क्वेश्चन है नाम से ही पता चल रहा है अपने को बिल्कुल अः तो देख लेते हैं अपन वो आयुर्वेद साइलो या एयर टाइट साइलो साइलो नाम आ रहा है तो साइलो से अपन पहचान सकते हैं कि साइलो के अंदर क्या बनाया जाता है तो साइलो के अंदर क्या बनता है साइलेज बनता है साइलो में क्या बनाते हैं साइलेज बनाते हैं साइलेज किस तरीके से बनाए जाते हैं साइलेज बनाने के लिए फसल को हरी अवस्था में काटा जाता है और काटकर एयर टाइट जगह पर एयर टाइट कंडीशन में उनको स्टोर करते हैं जबकि बाकी अन्य पे जो हे होता है वो सूखा छायादार स्थान पर संग्रहित किया जाता है और सुखाकर तैयार करते हैं जबकि साइलेज जो है वो हरा संग्रहित चारा होता है इस कारण उसको आ, हरे रूप में संग्रहित करने के लिए एयर टाइट कंटेनर बनाए जाते हैं एयर टाइट जगह रखी जाती है उसके लिए क्या करते हैं एयर टाइट जगह बनाते या तो गड्ढे में बनाए जाते हैं साइलेज या बुर्ज के रूप में बनाए जाते हैं जमीन के ऊपर बनाए जाते हैं ये जमीन के अंदर या तो गड्ढे में या नालियों में बनाए जाते हैं इनके अंदर फसल की कुट्टी काट कर है इसमें भर दिया जाता है उसके बाद इसको बंद कर दबा दबा कर भर देते हैं ताकि किसी भी तरीके से इसमें एयर नहीं रह जाए और इसको बंद कर दिया जाता है इसके बंद करने के बाद इसमें अः फर्मेंटेशन होता है किणवन होता है जो वायु की अनुपस्थिति जो अनुपस्थिति में जो बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं वो बैक्टीरिया ग्रोथ करके क्या कर देते हैं इसके अंदर जो लैक्टोज होती है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं और फर्मेंटेशन होता है जिसके कारण जो चारा होता है वो क्या बन जाता है साइलेज में कन्वर्ट हो जाता है और इसी तरह के संग्रहित किए गए चारे हरे चारे को क्या कहा जाता है साइलेज कहा जाता है तो ये अपना राइट आंसर है वायुरित साइलो या ए टाइट में संग्रहित चारे को क्या कहते हैं साइलेज कहते हैं हे क्या होता है हे एक तरीके का सूखा संग्रहित चारा है सूखा संरक्षित चारा है जो छायादार स्थान पर सुखाकर संग्रहित किया जाता है भूसा क्या होता है जो चारा होता है जो पशुओं को खिलाने के काम में लिया जाता है उसको क्या कहा जाता है गेहूं है जो है जई है इन सब का जो सूखा चारा होता है वो क्या कहलाता है भूसा कहलाता है हरा चारा सब लोग जानते हैं ज्यादा इसके अंदर समझाने की जरूरत नहीं है एयर टाइट कैसे रखे जाते हैं साइलो कैसे बनाए जाते हैं तो ये देखिए इस तरीके से इनके अंदर एयर टाइट रखने के लिए कोई तिरपाल वगैरह है या पॉलीथीन है उसको बिछा दिया जाता है और उसके अंदर फसल को कुट्टी काट कर दबा दबा कर भर देते हैं देखो ये ड्रम है इससे क्या किया जाता है दबाया जाता है और उसके बाद उसको बंद कर दिया जाता है और तीन महीने तक इसको पड़ा रखने देते हैं इसके बाद साइलेज बनकर तैयार हो जाता है इस तरीके से यह बनाया जाता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए पशु की पैरों की मांसपेशियों में सूजन किस रोग का प्रमुख लक्षण है क्वेश्चन है अपना पशु की पैरों की मांसपेशियों में सूजन किस रोग का प्रमुख लक्षण है फर्स्ट ऑप्शन आता है गलघोटू जिसे एच कहा जाता है हेमोरजिक सेप्टीनिया लंगड़ी है इसे ब्लैक वाटर कहते हैं थर्ड ऑप्शन आता है एंथ्रेक्स है एंथ्रेक्स को एंथरेक्सी कहते हैं कोई अदर नेम नहीं है इसका इंग्लिश के अंदर इसके अलावा इसे जो है वो जहरी बुखार और प्लेहा जवर के नाम से भी जाना जाता है या बिस् या बावला या चक्कर वाला रोग या मिट्टी जनित रोग इन सब अदर नेम है इसके इंग्लिश में एक ही नाम है इसका एंथ्रेक्सी है पशु प्लेग रोग को रिंडर पेस्ट के नाम से जाना जाता है राइट आंसर आपको बताना है पशु की मांसपेशियों में पैरों की मांसपेशियां मांसपेशियों में सूजन किस रोग का प्रमुख लक्षण है अनीशा है वेरी गुड इवनिंग नीलम है डी बता रहे हैं हरद्यांश है डी बता रहे हैं, चलिए बाबूलाल है अंकित है मूलचंद है डी बता रहे हैं दिनेश है, है रिंकू है गिरिराज है चलिए अपन देख लेते हैं राइट आंसर कुछ बी बता रहे हैं कुछ डी भी बता रहे हैं कुछ दो आंसर बता रहे हैं चलिए अपन देख लेते हैं आंसर सही आंसर सही इसका क्या हो सकता है वेरी गुड बहुत अच्छा सभी लोगों के एक ही आंसर आ रहा है सेम ही आंसर आ रहा है क्या बी आंसर सही है चलो देख लेते हैं पशु की पैरों की मांसपेशियों में सूजन लास्ट क्लास में अपन कई तरह के डिजीज हैं कई तरह के रोग हैं जिनके अंदर डिटेल में आपको मैंने डिस्कस करके बताया था तो शायद सबका सही आंसर मांसपेशियों में सूजन होना किस बीमारी का प्रमुख लक्षण है तो फर्स्ट ऑप्शन आता है गल घोटू रोग के अंदर क्या होता है देखो नाम से पता चला है हर एक बीमारी अधिकतर बीमारियां जो ऐसी हैं जिनके अंदर इन बीमारियों के नाम से ही पता चल रहा है कि उनके प्रमुख लक्षण क्या होंगे तो देखो एक एक करके मैं बता देती हूँ तो नाम से ही पता चल रहे हैं मोस्टली डिजीज के बारे में अपन पहचान सकते हैं तो पहला रोग आता है गल घोटू गल के अंदर घुटन होती है नाम से पता चल रहा है देखो गल घोटू गले के अंदर घुटन होती है तो गला और कंठ इससे इफेक्ट होते हैं गलाया कंठ इससे फैक्ट हो रहा है तो ये अपना क्वेश्चन का आंसर नहीं है क्योंकि इसमें गले में आ, सूजन आ रही है गले में घुटन हो रही है तो ये अपना पैरों की मांसपेशियों में सूजन पूछा है तो ये अपना राइट right आंसर नहीं है सेकंड ऑप्शन पे आते हैं अपन लंगड़ी लंगड़ी रोग है इसके अंदर लंगड़ाता किससे है पशु पैरों से लंगड़ाता है तो पैरों में कोई प्रॉब्लम हुई है तो थोड़ा थोड़ा इससे मिलता जुलता है क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है पैर के बारे में डिस्कस किया है तो यहाँ से अपन देखो पहचान सकते हैं लंगड़ी के अंदर क्या करता है पशु लंगड़ाता है पैरों से ही लंगड़ाएगा तो इसके अंदर कैसे लंगड़ाएगा पैरों में क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो जो ब्लैक क्वार्टर होता है ब्लैक और क्वार्टर इसमें ब्लैक क्वार्टर या फिर इसे ब्लैक लेग के नाम से भी जाना जाता है इस बीमारी के अंदर मुख्य रूप से मांसपेशियां होती हैं पुठिया या पैरों की मांसपेशियां होती है उनमें सूजन आ जाती है और सूजन आने के कारण जो है वहां की पैरों की मांसपेशियों में सूजन आने के कारण पशु को चलने में प्रॉब्लम आती है और पशु लंगड़ा कर चलता है यही इसी कारण इसी लंगड़ाने के कारण इस रोग को क्या नाम दिया गया है लंगड़ी रोग नाम दिया गया है तो पैरों की मांसपेशियों में सूजन इस कारण से लंगड़ी कहते हैं और जो सूजन आ जाती है उस पर अगर कट लगाते हैं चीरा लगाते हैं तो उसे ब्लैक कलर का फ्रॉडी ब्लड निकलता है और ब्लैक कलर का ब्लड निकलने के कारण ही इस रोग को क्या नाम दिया गया है ब्लैक क्वार्टर या ब्लैक लेग के नाम से भी जाना जाता है तो अपना राइट आंसर है की मास में सूजन आना किस बीमारी का प्रमुख लक्षण है इस लंगड़ी रोग का ही प्रमुख लक्षण है अपन बात करते हैं ऑप्शन की एंथ्रेक्स रोग है एंथ्रेक्स रोग के बारे में लास्ट क्लास में भी अपन पढ़ चुके हैं एंथ्रेक्स रोग है इसके अंदर रोगी पशु की रक्त प्लीहा है स्प्लीन इस है इससे इफेक्ट होती है इसके कारण पशु के नाक मुंह और मलासे से युक्त स्त्राव निकलता है जो जमता नहीं है वो इस बीमारी का मेजर सिम्टम होता है एंथ्रेक्स रोग का और कई बार भेड़ बकरियों में बिना लक्षण प्रकट किए अचानक से पशु की डेथ हो जाती है ये भी एंथ्रेक्स रोग का प्रमुख लक्षण है इस बीमारी के बैक्टीरिया होते हैं वो हवा में सुरक्षा कवच बनाकर पड़े रहते हैं कई वर्षो तक जीवित रहते हैं इसी के कारण ये रोग जो है वो जूनोटिक रोग भी कहलाता है मिट्टी जनित रोग भी कहलाता है एक पशु से मनुष्य में ये बीमारी हो जाती है और मनुष्य से पशु में बीमारी हो जाती है उसी रोग को जूनोटिक डिजीज कहते हैं तो ये एंथ्रेक्स रोग जूनोटिक डिजीज कहलाता है नेक्स्ट आता है पशु प्लेग पशु प्लेग के बारे में लास्ट क्वेश्चन में अपन सॉल्व कर चुके हैं ये लंगड़ी रोग के जो है देखिए मेजर सिम्टम्स है इसके अंदर देखो ये पैरों की मांसपेशियां हैं यहाँ पर जो है पीछे वाला भाग होता है इस पोर्शन पे सूजन आ जाती है देखो झूम करके इसमें दिखा दिखाई दे रहा होगा आपको इसमें पैरों की मांसपेशियों में पशु को सूजन आ जाती है और इसी के कारण पशु है वो लंगड़ाकर चलता है और इसी के कारण इस रोग को लंगड़ी रोग और ब्लैक क्वार्टर के नाम से जाना जाता है चलिए नेक्स्ट अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैस्टाइटिस किस अंग का रोग है मैस्टाइटिस है इसे थनेला रोग कहते हैं हिंदी में मैस्टाइटिस रोग को थनेला रोग के नाम से जाना जाता है ये किस अंग का रोग है अंग का नाम पूछा है कौन सा अंग इससे अफेक्ट होता है फर्स्ट ऑप्शन आता है जननंग सेकंड आता है अयन वथन थर्ड आता है हृदय फोर्थ आता है फेफड़े तो कौन सा अंग है इससे इफेक्ट होता है मैस्टाइटिस डिजीज है इसमें फर्स्ट ऑप्शन आता है जननंग सेकंड आता है अयन वथन फोर्थ थर्ड आता है हृदय और फोर्थ आता है फेफड़े कौन सा बॉडी पार्ट है वो इससे इफेक्ट होता है राइट right आंसर आपको बताना है श्याम है सागर है बी बता रहे हैं अमित है वो बी बता रहे हैं राहुल है अभिषेक है सुशील है दीपक है गीता है सोहन है बलवीर है तेजपाल है नितेश है लकी है सागर है नीलम है ये सब भी आंसर बता रहे हैं चलिए बहुत अच्छा आजकल आप सब लोग पढ़ने लग गए हैं बिल्कुल बहुत अच्छी बात है आ, देख लेते हैं अपन राइट आंसर क्या है इसका फर्स्ट अपन बात करते हैं जनन अंगों का जनन अंगों का ये रोग नहीं है क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है इसमें अपने को थनेला मतलब किससे संबंधित है थनों से संबंधित है तो अयन व से है, से संबंधित अडर और रिलेटेड ये डिजीज होती है अयन को इंग्लिश में अडर कहते हैं और थनो को टीट्स कहा जाता है तो अयन व थनो से संबंधित ये रोग होता है ये इससे अफेक्ट होते हैं हार्ट भी इससे अफेक्ट नहीं होता है फेफड़े भी नहीं होते हैं ये पर्टिकुलर अयन व थनों से संबंधित रोग होता है इसके अंदर पशु का अयन और थन है इससे प्रभावित होता है पशु के थनों से जो है वो पहले येलो कलर का ब्लड येलो कलर निकलता है दूध जो है वो येलो कलर का हो जाता है धीरे धीरे करके उसमें से ब्लड ग्लोट आने लग जाते हैं ये इस बीमारी का मेजर सिम्टम होता है थनों में गांठे पड़ जाती है जो थनेला रोग का मुख्य सिम्टम होता है और इसकी पहचान के लिए जो है वो क्या किया जाता है स्ट्रीट कप परीक्षण किया जाता है स्ट्रीट कप परीक्षण करते हैं। इस टेस्ट के द्वारा इस बीमारी का पता लगाया जाता है और उसके बाद पशु का उपचार किया जाता है मेस्टाइटिस ट्यूब है वो पशु के अयन में चढ़ाई जाती है जिससे पशु ठीक हो जाता है छुट्टन लाल क्या हुआ क्लास क्यों नहीं लोगे भाई अच्छा नहीं लग रहा है कि आप लोगों को क्लास में चलिए देखते हैं अधिक खाने से भेड़ों में कौन सा रोग हो जाता है ज्यादा खाने के कारण भेड़ों में कौन सा रोग हो जाता है फर्स्ट आता है एंथ्रेक्स सेकेंड आता है मिल्क फीवर थर्ड आता है फड़किया फोर्थ आता है पशु प्लेग राइट right आंसर आपको बताना है अधिक खाने से भेड़ों में कौन सा रोग हो जाता है अधिक खाने से भेड़ों में कौन सा रोग हो जाता है फर्स्ट ऑप्शन है एंथ्रेक्स सेकेंड है मिल्क फीवर थर्ड आता है फड़किया या फिड़किया एक ही बात है एंटेटॉक्सीमिया इसे कहते हैं फोर्थ ऑप्शन आता है पशु प्लेग राइट right आंसर आपको बताना है इंग्लिश नाम भी बता देती हूँ सभी डिजीज के एंथ्रेक्स है उसको एंथ्रैक्सी कहते हैं इंग्लिश के अंदर मिल्क फीवर है इसे हाइपो कैलशीमिया या दुग्ध ज्वर हिंदी में कहते हैं इंग्लिश नाम ही है मिल्क फीवर इसके अलावा फड़किया है इसे एंटेटॉक्सीमिया के नाम से जाना जाता है और फोर्थ है पशु प्लेग इसे रिंडर पेस्ट के नाम से जाना जाता है राइट right आंसर आपको बताना है अधिक खाने से भेड़ों में कौन सा रोग हो जाता है अधिक खाने के कारण सी ऑप्शन बता रहे हैं फड़के आंसर बता रहे हैं धनराज है धीरज है नितेश है ब्रिजेश है लव है अभिषेक है खुशी खुशी है नितेश है पिंटू है नितिन है खुशवंत है सोहन है मनोज है विशाल है विनोद है संतोष है सागर है राहुल है देखिए अपन देख लेते हैं सही आंसर अधिकतर जो है वो आंसर सी बता रहे हैं स और सी और तीन फिड़किया सब बता रहे हैं चलिए देखते हैं कि कौन सा रोग जो है वो अधिक खाने के कारण होता है तो एंथ्रेक्स रोग है ये रोग है वो किसके कारण होता है जीवाणु के इन्फेक्शन के कारण होता है और जीवाणु का इन्फेक्शन है वो कैसे होता है किस तरीके से इफेक्ट करता है तो इस बीमारी के अंदर रोगी पशु की प्लीहा इससे इफेक्ट होती है स्प्लीन इससे इफेक्ट होती है इस कारण ये खाने से संबंधित किसी तरह का डिजीज नहीं है नेक्स्ट अपन बात करते हैं मिल्क फीवर अधिक खाने के कारण मिल्क फीवर जो है रोग है वो कैल्शियम की कमी से होता है तो अधिक खाने के कारण कैल्शियम की तो कमी नहीं होगी पशु के शरीर में तो ये इससे होने वाला रोग भी नहीं है एंथ्रेक्स भी नहीं है अगला अपन पशु प्लेग देख लेते हैं पशु प्लेग रोग है वो एक वायरस के इन्फेक्शन के कारण होता है तो इसके का इसके अंदर खाने से संबंधित किसी तरह का ये इन्फेक्शन नहीं होता है तो लास्ट ऑप्शन बताया आपने फिड़किया या फड़किया या के से नाम से जाना जाता है इस रोग को इस ये रोग जो है वो भेड़ और बकरी में मुख्य रूप से पाया जाता है भेड़ों के अंदर मुख्य रूप से ये होता है उनके ज्यादा खाने के कारण होता है और ज्यादा कब खा लेती है जब फरवरी मार्च का महीना होता है तो उस टाइम रबी फसल की कटाई होती है और रबी फसल की कटाई के समय ये पशु ज़्यादा खा लेते हैं ज़्यादा हरी कच्ची हरी घास खा लेते हैं जिसके कारण उनको जो रोग हो जाता है वो कौन सा रोग हो जाता है फड़किया रोग हो जाता है और अधिक खाने के कारण इसे अधिक खाने वाला रोग के नाम से भी जाना जाता है अधिक खाने के कारण कैसे हुआ तो अधिक खाने के कारण क्या होता है भोजन अध:पचा रह जाता है शरीर के अंदर क्या होता है भोजन अध:पचा रह जाता है इसके कारण बैक्टीरिया का इंफेक्शन हो जाता है और बैक्टीरिया का इंफेक्शन होने के कारण ये रोग हो जाता है इस बैक्टीरिया का नाम आता है जो अधिक खाने के कारण जो है वो आंतों के अंदर ये बैक्टीरिया का इंफेक्शन हो जाता है तो उसका नाम आता है क्लोस्टीडियम परफ्रिंजेंस नामक बैक्टीरिया है जिसके द्वारा ये डिजीज होती है ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर जो मैमने होते हैं वो ज्यादा दूध पी लेते हैं और ज्यादा दूध पी लेने के कारण उनके आंतों में वो दूध की दूध जमा हुआ रह जाता है और जमा हुआ रहने के कारण जीवाणु का इन्फेक्शन हो जाता है और इसी के कारण क्या हो जाती है ये जो एंटेटॉक्सीमिया डिजीज हो जाती है जिसके अंदर पशु का पेट फूल जाता है कई बार बिना सिम्टम दिखाए पशु की अचानक डेथ हो जाती है कई बार जो है वो बकरियां हैं और भेड़ होती हैं वो गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ कर रखती है देखो इस तरीके से पीछे की मौ, तरफ मोड़ कर रखती हैं गर्दन को नीचे गिरा देती हैं इसके अलावा उनके पेट में गैस भर जाती है छोटे बच्चे हैं वो साइकिलिंग करते हैं पैरों को ऊपर कर लेते हैं और साइकिलिंग जैसे चलाते हैं पैरों को चलाते रहते हैं कमर धनुष की तरह मुड़ जाती है धनुषंकार हो जाना भी इस बीमारी का प्रमुख लक्षण है कमर धनुषंकार किस बीमारी का प्रमुख लक्षण पूछा जाए तो एंटेटॉक्सीमिया का इसके अलावा पशु साइकिल चलाते रहते हैं मतलब पैरों को ऊपर करके जो है वो पैर चलाते रहते हैं और उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि पेट में तेज दर्द होता है और गैस बनती है तो ये इस बीमारी के मेजर सिम्टम होते हैं क्लास का टाइम जो है वो सेवन थर्टी है नेक्स्ट क्लास है वो आपके हॉर्टिकल्चर की सोनू सर की क्लास होगी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो बाकी अदर ग्रुप में भी इसको शेयर कीजिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्तंभक दवा का उदाहरण पूछा है स्तंभक है औषधि है मेडिसिन है वो कौन सी है फर्स्ट ऑप्शन अल्कोहल एल्कोहल है मैग्नीशियम सल्फेट थर्ड है फिटकरी फोर्थ आता है अरंडी आपको आंसर बताना है हितेश है लखन है वो सी बता रहे हैं पुरुषोत्तम है ऑनलाइन बैच में भी होगा बहुत ही जल्दी क्लास लगेगी अभी आप ये क्लास देख लीजिए धर्मेंद्र है वेरी गुड इवनिंग लखन है सी बता रहे हैं नरेंद्र टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा आंसर की और पीडीएफ विद पीडीएफ मिल जाएगी नेक्स्ट देखिए रामकिशोर जाट है वो सी बता रहे हैं सागर है दबंग नागौर है वो सी बता रहे हैं गिरिराज है हरद्यांश है अमित उपाध्याय है अक्की चौधरी है ये सी बता रहे हैं विष्णु है चलिए अपन देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है कुछ फिटकर ही बता रहे हैं कुछ सी बता रहे हैं अधिकतर लोग सही बता रहे हैं सब पढ़ के आने लग गए हैं बहुत अच्छी बात है चलिए स्तंभक दवा का उदाहरण बताना है एस्ट्रिंग औषधि है वो कौन सी है इंग्लिश में इसे कहते हैं एस्ट्रिंग अब देखिए एल्कोहल है एल्कोहल के बारे में सब जानते हैं एल्कोहल किस तरह की औषधि नहीं है स्तंभक औषधि नहीं है स्तंभक का मतलब क्या होता है पहले तो अपन इसका मतलब देख लेते हैं इंग्लिश नाम तो देखा है लेकिन ये क्या करता है चोट लगने से जो प्रवाहित ब्लड फ्लो होता है जो रक्त स्त्राव होता है उसको क्या करता है ये औषधि ये औषधि देने से वो ब्ल ब्लड फ्लो है वो रुक जाता है रक्त स्त्राव है बंद हो जाता है उसी के लिए इस तरह की औषधि दी जाती है अगर मान लो किसी कारण बस चोट लग गई है और ज्यादा ब्लड निकल रहा है तो कई बार पशु की डेथ हो जाती है तो इसी के लिए उनको क्या दिया जाता है स्तंभक औषधि दी जाती है जिससे इंटरनल भी ब्लड फ्लो कम होता है और एक्सटर्नल भी ब्लड फ्लो कम होता है उसके लिए देते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन है एल्कोहल एल्कोहल के बारे में सब जानते हैं एल्कोहल किस तरह की मेडिसिन होती है ये एक तरह की उत्तेजक औषधि है कैसी औषधि है उत्तेजक या स्टीमुलेंट औषधि है जिसको खिलाने से पशु में उत्तेजना का अनुभव होता है उनमें ताजगी और स्फूर्ति आती है जैसे मान लो पशु को अपने को किसी भी तरह से जो है वो एग्रीकल्चर वर्क करवाना है या फिर अपने को उनको किसी भी तरह से पशु को एक्टिव करना है उनसे कोई ऐसा काम कराना है ज़्यादा उनसे भार उठवाना है तो उसके लिए उनको एक्टिव करना होगा और एक्टिव करने के लिए उनको स्टीमुलेंट या उत्तेजक औषधि दी जाती है जिनके अंदर एल्कोहल है कपूर है और कैफीन आती है तो एक तरीके से ये अल्कोहल है वो उत्तेजक औषधि है नेक्स्ट देखिए अगला अपन देखते हैं मैग्नीशियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट किस तरह के औषधि है कई बार जो है वो ये एग्जाम में ये एग्जाम्पल पूछा जाता है पहले क्वेश्चन भी सोल्व कर चुके हैं अपन मैग्नीशियम सल्फेट है एक तरह की मृदुरेचक औषधि है मृदुरेचक रेचक का ही एक उदाहरण होता है इसके अंदर पशु को जो है वो हल्के दस्त आते हैं बिना ऐठन के दस्त आते हैं खुलकर दस्त आते हैं उसे ही मृदुरेचक औषधि कहते हैं तो मृदुरेचक औषधि में मैग्नीशियम सल्फेट है अरंडी का तेल है ये सब आते हैं तो अपना एक ऑप्शन अरंडी का तेल भी है तो अरंडी का तेल भी कैसी औषधि है मृदु रेचक औषधि है जिन्हें खिलाने पर पशु को फुलकर आते हैं वो औषधियाँ मृदु रेचक औषधिया कहलाती है पशु का पेट साफ करने के काम में लेते हैं अब अपना लास्ट ऑप्शन बचता है फिटकरी फिटकरी को एलम कहा जाता है इंग्लिश में इसको एलम कहते हैं ये किसका एग्जाम्पल है तो ये किसका एग्जाम्पल है स्तंभक औषधि का एग्जाम्पल है स्टीबुल सॉरी एस्टिंगेंट या स्तंभक औषधि कहते हैं इसके अंदर और एग्जाम्पल क्या आते हैं तो स्तंभक औषधि में फिटकरी है टिंचर आयोडीन है अफीम है कत्था है ये किस तरह की औषधियां होती है स्तंभक औषधियां होती है जिनको खिलाने से पशु को क्या पशु के जो इंटरनली या एक्सटर्नली जो भी ब्लड फ्लो होता है वो रुक जाता है ये किस तरीके की दिखाई देती है तो फिटकरी इस तरीके से क्रिस्टल फॉर्म में पाई जाती है पारदर्शक होती है कई बार ये थोड़ा सा लाइट पिंक कलर की भी होती है कई बार व्हाइट कलर की भी होती है तो इस तरीके से क्रिस्टल फॉर्म में आती है चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला पशुओं के मालिश किस तेल से की जाती है पशुओं में मालिश किस तेल से करते हैं नेक्स्ट मृदन तेल या मसाजिंग ऑयल भी कहते हैं मालिश जो है वो किससे करते हैं या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं मसाजिंग ऑयल कौन से तेल से की जाती है मालिश या फिर मृदन तेल भी कहते हैं मालिश करने के काम में आते हैं मृदन तेल वो क्या कहलाते हैं मसाजिंग ऑयल है वो कौन कौन से तेल से तेल तेल की जाती है 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 मसाज फर्स्ट आता आता तारपीन का सेकंड सरसों का तेल थर्ड आता, आता है तिल का तेल फोर्थ ऑप्शन आता है सभी से तो किससे की जाती है राइट right आंसर बताना है संतोष यादव यूपी बी के लिए बी में अगर एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड क्वेश्चन तो आते हैं तो ये हो सकता है उसके लिए उपयोगी बाकी अदरवाइज मुझे से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं है बी के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते हैं वैसे जनरल नॉलेज जो है उसके क्वेश्चन आते हैं इसमें बाबूलाल है एक बता रहे हैं ललिता है दो बता रहे हैं अशोक है बी बता रहे हैं कुछ डी बता रहे हैं कुछ एक बता रहे हैं सब जो है वो तुक लगा रहे हैं चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या आंसर हो सकता है अपना फर्स्ट आता है तारपीन का तेल थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कई कई लोगों को कि तारपीन का तेल क्या होता है कैसे प्राप्त किया जाता है तो अपन देखते हैं अभी थोड़ी देर में फिर सेकंड आता है सरसों का तेल तो मसाज के लिए तारपीन का तेल भी उपयोगी होता है सरसों का तेल भी उपयोगी होता है तिल का तेल भी उपयोगी होता है तीनों ही तेल उपयोगी होते हैं तीनों तेल से पशु की मालिश की जाती है इस कारण अपना राइट आंसर है सभी से की जाती है पशुओं के मालिश करने के लिए सभी तरह के तेल है उपयोगी राइट आंसर अपना फोर्थ है किस तरीके से दिखाई देते हैं तो देखो ये तारपीन का तेल है ये तारपीन का तेल कैसे प्राप्त किया जाता है तो चीड़ का वृक्ष नाम सुना होगा आपने चीड़ चीड़ के वृक्ष से एक कार्बनिक यौगिक पदार्थ होता है जिससे टर्पिन नामक कार्बनिक यौगिक है वो प्राप्त होता है उस टर्पीन नामक यौगिक से ही क्या बनाया जाता है तारपीन का तेल बनाया जाता है टर्पिन टाइन ऑयल बनाया जाता है जिसे हिंदी में तारपीन का तेल कहते हैं ये चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है दूसरा आता है सरसों का तेल जो सरसों से प्राप्त किया जाता है इसके बारे में सब जानते हैं मस्टर्ड ऑयल थर्ड आता है सीसेम ऑयल ये जो है वो तिल का तेल होता है जो तिलों से प्राप्त किया जाता है तो तीनों तरह के तेल है पशुओं में मालिश के काम में लाए जाते हैं राइट आंसर अपना है फोर्थ सभी चलिए अगला क्वेश्चन है मछली जैसी गंध या फिशी फ्लेवर घी में कब आती है घी में एक तो नॉर्मल जो सुगंध होती है वो किसके कारण आती है डाई एसिटाइल के कारण आती है घी में नॉर्मल सुगंध है डाई एसिटिल या एसिटाइल के कारण आती है और जो दुर्गंध होती है घी के अंदर वो किसके कारण आती है के कारण आती है दुर्गंध है वो एक्रोलिन के कारण आती है अब अपने को बताना है यहाँ पे अपना क्वेश्चन क्या है घी घी में फिशी स्मेल या फिशी फ्लेवर है वो किसके कारण आता है फर्स्ट ऑप्शन जब घी पुराना हो सेकंड ऑप्शन घी में पानी रह जाए घी को अधिक गर्म कर देने पर गोभी वर्गीय फसलों का चारा खाने से होने वाले दूध उत्पादन में बने घी से किस में आती है फीसी स्मेल किसमें आती है मछली जैसी गंध घी में कब आती है सागर है अजयपाल है चा, एक पाल एक बता रहे हैं सागर चार बता रहे हैं मनोज ए बता रहे हैं राम किशोर है वो दो डी बता रहे हैं झुट्टनलाल तीन बता रहे हैं विनोद है लखन है कुछ एक बता रहे हैं कुछ बी भी बता रहे हैं कुछ सी बता रहे हैं अधिकतर जो है वो तीन भी बता रहे हैं ए भी बता रहे हैं डी भी बता रहे हैं सभी तरह के आंसर हैं, वो सब लोग बता रहे हैं अपन देख लेते हैं कि क्या आंसर सही हो सकता है तो फिशी स्मेल कब आती है घी के अंदर फर्स्ट अपन देखते हैं जब घी पुराना हो घी पुराना हो तो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है घी को अपन आसानी से लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं तो पुराने घी में किसी तरह की स्मेल नहीं आती है जब प्योर घी होता है अगर उसमें किसी तरह से मान लो छाछ रह गई है या फिर पानी रह गया है तो अलग तरह से स्मेल आ सकती है लेकिन नॉर्मली घी के अंदर कोई स्मेल नहीं आती है उसको लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं तो ये कारण नहीं है फिर से स्मैल का घी में पानी रह जाए पानी रहने का मतलब है घी में अधिक मात्रा में नमी रहने के कारण किस तरह की स्मेल आती है फिर से स्मैल आती है मछली जैसी गंध किसके कारण आती है घी में अधिक पानी अधिक नमी रह जाने के कारण नॉर्मली घी के अंदर कितना परसेंट नमी होनी चाहिए घी के अंदर 0.5 परसेंट नमी पाई जाती है घी में नमी है 0.5 या इससे भी कम होनी चाहिए मान लो इसमें इससे ज्यादा हो गई है घी में तब कैसी स्मेल आती है घी के अंदर फिसी स्मेल या मछली जैसी गंध आने लग जाती है घी को अधिक गर्म करने के कारण और इन सब के कारण ये नहीं होता है कारण क्या है मछली जैसी गंध का कारण है घी के अंदर अगर पानी की मात्रा नमी की मात्रा 0.5 परसेंट से ज्यादा हो जाती है तब उसमें स्मेल आती है है ये अपना राइट आंसर सेकंड चलिए देखिए दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है या बिल्कुल नगण्य मात्रा में पाया जाता है फर्स्ट ऑप्शन है लोहा आयरन कहते हैं इसको सेकंड है मैग्नीशियम थर्ड आता है कैल्शियम फोर्थ आता है फॉस्फोरस कौन से पदार्थ की कमी पाई जाती है घी के अंदर घी के अंदर कौन से पदार्थ की कमी पाई जाती है या नगण्य मात्रा में पाया जाता है बताना आपको विनोद है बी बता रहे हैं चलिए देखिए चेना राम है ए बता रहे हैं शीसपाल है ए बता रहे हैं हरिओम है दीपेंद्र है दीपेश है, है मनीष है सोहन है ये बता रहे हैं छुट्ट लाल है अभिषेक है रक्षिता है विनोद है बंटी है नितेश है कुंदन है सभी के नाम लेना पॉसिबल नहीं है सब बहुत ही जल्दी आंसर दे रहे हैं सब पढ़ के आए इसके बाद नेक्स्ट क्लास है वो आपके हॉर्टिकल्चर की सोनू सर की क्लास होने वाली है चलिए अपन देखते हैं दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है दूध के अंदर कैल्शियम फास्फोरस का दूध अच्छा स्रोत होता है मैग्नीशियम भी उचित मात्रा में पाया जाता है सिर्फ आयरन होता है लोहा होता है वो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में या नगण्य मात्रा में दूध में उपस्थित होता है या नहीं के बराबर पाया जाता है वो कौन सा पदार्थ है लोहा पाया जाता है कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है कौन सा तत्व नगण्य मात्रा में पाया जाता है तो कौन सा पाया जाता है आयरन या लोहा नगण्य मात्रा में पाया जाता है उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दूध का पीला रंग होता है दूध का पीला रंग किसके कारण होता है फर्स्ट ऑप्शन आता है कैरोटीन से सेकंड है विटामिन से थर्ड आता है कैसीन से फोर्थ आता है लैक्टोज से दूध का पीला रंग किसके कारण होता है लाइट येलो कलर है दूध का वो किसके कारण पाया जाता है आंसर बताना है फर्स्ट कैरोटीन सेकंड विटामिन थर्ड कैसीन फोर्थ है लैक्टोज आंसर बताना है आपको मनीष है एक बता रहे हैं त है वो ए बता रहे हैं नितेश है वो ए बता रहे हैं संतोष भी एक बता रहे हैं बसंत भी एक बता रहे हैं अधिकतर के आंसर एक आ रहे हैं चलिए अपन देख लेते हैं हितेश है वो भी एक बता रहे हैं चलिए अपन देख लेते हैं कि सही आंसर क्या हो सकता है बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही जो है वो बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो फर्स्ट ऑप्शन आता है कैरोटीन से पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है अपना गाय के दूध का या दूध का पीला रंग है लाइट येलो कलर है वो किसके कारण होता है कैरोटीन के, के अधिकता के कारण होता है कैसीन के कारण दूध का रंग सफेद होता है विटामिन और लैक्टोज से कोई इफेक्ट नहीं आता है दूध के कलर के ऊपर सिर्फ कैसीन के कारण दूध का रंग सफेद कैरोटीन के कारण दूध का रंग येलो होता है लाइट येलो कलर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दूध में वसा किस रूप में होती है दूध में वसा किस रूप में पाई जाती है फर्स्ट है पायस के रूप में सेकंड है घोल रूप में थर्ड है निलंबन के रूप में फोर्थ आता है सभी के रूप में दूध में वसा किस रूप में पाई जाती है राइट right आंसर आपको बताना है दूध में वसा का रूप बताना है किस फॉर्म में दूध में प्रेजेंट होती है वसा बताना है दूध में वसा किस रूप में प्रेजेंट होती है दूध में वसा किस रूप में प्रेजेंट होती है अनिशा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ अनिशा कृषि हेमेंद्र है वो सी बता रहे हैं अशोक है एक बता रहे हैं पूजा है लोकेश है मनीष है गिरिराज है सुशील है चलिए धनराज है विकास है एक बता रहे हैं, कुछ डी आंसर बता रहे हैं कुछ दो बता रहे हैं अपन देख लेते हैं कि किस रूप में पाई जाती है तो फर्स्ट अपन देखते हैं बात करते हैं पायस की पहला ऑप्शन आता है पायस के रूप में पायस के रूप, रूप में क्या पाया जाता है दूध के अंदर दूध की जो प्रोटीन होती है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है दूध के अंदर पायस के रूप में पायस को ही कोलोइडल फॉर्म भी कहते हैं तो दूध में प्रोटीन पायस या कोलोइडल फॉर्म में होती है तो ये अपना राइट आंसर नहीं है ये तो प्रोटीन होती है अपने को वसा पूछा है घोल रूप में क्या प्रेजेंट होता है तो दूध के अंदर पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट दूध में पाए जाने वाली कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण होते हैं वो घोल रूप में पाए जाते हैं जो पानी के अंदर घुले हुए रहते हैं खनिज लवण और कार्बोहाइड्रेट इसके अलावा कुछ विटामिन भी होते हैं जो जल विले विटामिन होते हैं वो भी घोल रूप में पाए जाते हैं तो ये इस, इस फॉर्म में भी नहीं पाई जाती है वसा अपना थर्ड ऑप्शन बचता है निलंबन के रूप में निलंबन को ही इमल्शन या सस्पेंशन या गोली का रूप भी कहा जाता है तो इस रूप में क्या पाई जाती है दूध में पाई जाने वाली वसा पाई जाती है निलंबन या गोलिका रूप या सस्पेंशन या इमल्शन एक ही वर्ड है इस रूप में दूध में पाई जाने वाली वसा पाई जाती है इसके अलावा अपन बात करें कि आपने देखा होगा जब दूध निकाला जाता है जब दूध को स्टोर किया जाता है तो हिलने के कारण उसके ऊपर कुछ क्या आ जाती है वो वसा जो है वो गोली का रूप में आ जाती है तो वही उसका पाया जाने का फॉर्म है किस फॉर्म में पाई जाती है निलंबन या इमल्सन रूप में पाई जाती है राइट आंसर अपना है थर्ड अगला देखिए गाय के दूध में औसतन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है गाय के दूध में औसतन कार्बोहाइड्रेट कितनी मात्रा में पाया जाता है राइट right आंसर आपको बताना है फर्स्ट ऑप्शन है टू पॉइंट फाइव सेकेंड है थ्री पॉइंट फाइव फोर पॉइंट नाइन फाइव पॉइंट फोर राइट आंसर आपको बताना है गाय के दूध में औसतन कार्बोहाइड्रेट कितनी मात्रा में पाया जाता है गाय के दूध में औसतन कार्बोहाइड्रेट कितनी मात्रा में पाया जाता है राइट आंसर है ए बता रहे हैं सुरेंद्र सी बता रहे हैं अतुल है सी बता रहे हैं लक्ष्मण है एक बता रहे हैं लखन है एक बता रहे हैं चलिए अपन देख लेते हैं आंसर क्या हो सकता है एक भी आंसर नहीं है दो भी आंसर नहीं है तीन आंसर जो है वो अपना राइट आंसर है गाय के दूध में लैक्टोज है वो फोर पॉइंट नाइन परसेंट होता है भैंस के दूध में फाइव पॉइंट फोर होता है भैंस के दूध में फाइव पॉइंट फोर होता है तो भी पूछा जाता है कि गाय भैंस भेड़ बकरी में किस पशु का दूध सर्वाधिक मीठा होता है सबसे ज्यादा मीठा दूध भैंस का पाया जाता है गाय के अंदर जो है वो शाहीवाल नस्ल के अंदर पांच परसेंट लेक्टोज होता है जिसके कारण सबसे ज्यादा मीठा दूध होता है बाकी एवरेज अपन देखें तो फोर उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है भैंस के दूध में फाइव होता है साढ़े के आसपास पाया जाता है ये अपना राइट आंसर है थर्ड अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी गो पशु की भार ढोने वाली नस्लें गो पशु कैटल्स की भारवाही नस्ल के बारे में पूछा है फर्स्ट है शाहीवाल और लाल सिंधी सेकेंड है गंगती व हल्लीकर थर्ड आती है अंगोल और हरियाणा फोर्थ आती है कांकरेज वगैरह राइट आंसर आपको बताना है निम्न में से कौन सी गो पशु की भार ढोने वाली नस्ल है कुछ आंसर है वो दो बता रहे हैं कुछ तीन आंसर बता रहे हैं सुनील है तीन बता रहे हैं यूपीएससी सी बता रहे हैं बंटी है पूजा है तीन बता रहे हैं मनीष है दो बता रहे हैं सुनील है सी बता रहे हैं चलिए अपन देख लेते हैं राइट आंसर क्या हो सकता है देखो साईवाल आ रही है तो साह के बारे में सब जानते हैं सर्वाधिक दूध देने वाली है तो ये अपना राइट right आंसर नहीं आएगा फिर अपन देखे अंगोल है अंगोल और हरियाणा भी फेमस है वो भी कैसी नस्ल है द्विप्रयोजनी नस्ल है तो ये भी अपना राइट right आंसर नहीं आएगा कांकरेज है और गिर है ये दूध प्रयोजनी है कांकरेज द्विप्रयोजनी है तो ये भी राइट right आंसर नहीं आएगा बचता क्या है गंग और हल्लीकर गंगतिरी और हल्लीकर गो पशु की भारवाही नस्लें हैं किस तरीके से ये दिखाई देती है तो देखिए इनकी फोटो है ये जो है वो गाय की गंगतीरी नस्ल है गंगतीरी नस्ल है वो यूपी और बिहार के अंदर पाई जाती है इनकी ज्यादा कोई कैरेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है ना ही अपने सिलेबस में डिटेल में सिर्फ नाम नाम देख लीजिए यूपी एंड बिहार के अंदर ये पाई जाती है इसके बाद अपन बात करते हैं ये जो नस्ल आती है गंगतीरी के बाद में हल्लीकर नेक्स्ट नस्ल आती है सेकंड आती है हल्लीकर दोनों ही भारवाही नस्लें हैं हल्लीकर नस्ल है वो कहाँ पाई जाती है कर्नाटका में पाई जाती है ये कर्नाटका की नस्ल है तो ये अपना क्वेश्चन हो गया है नेक्स्ट अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रथम प्रजनन के समय बछिया का वांछनीय शरीर भार होना चाहिए एक बछिया होती है हीफर जिसे कहते हैं इंग्लिश में हीफर कहा जाता है वयस्क बछिया को गाय और भैंस की उसको हीफर कहते हैं उसका वांछनीय शरीर भार कितना होता है फर्स्ट ऑप्शन आता है एक सौ अस्सी से दो सौ किलोग्राम ढाई सौ से दो सौ सत्तर किलोग्राम थर्ड साढ़े तीन सौ से तीन सौ सत्तर और फोर्थ ऑप्शन आता है साढ़े चार सौ किलोग्राम राइट आंसर आपको बताना है हरिओम है वो बी बता रहे हैं पुष्कर है पुखराम है वो बी बता रहे हैं दीपेंद्र है चलिए देखिए राइट आंसर देख लेते हैं अपन क्या हो सकता है तो प्रजनन के लिए जो बेस्ट एज है वो क्या मानी जाती है लगभग तीन साल मानी जाती है और वजन क्या होता है कितने वजन के पशु है जो वयस्क माना जाता है या फिर उसको प्रजनन के काम में लाया जा सकता है तो 180 किलोग्राम बेस्ट आंसर नहीं है 250 किलोग्राम और से 270 किलोग्राम जो है वो अपना सही आंसर है बछिया का वांछनीय शरीर भार 250 से 270 किलोग्राम होना चाहिए साढ़े तीन से 370 भी राइट आंसर नहीं है साढ़े चार भी राइट आंसर नहीं है राइट आंसर है अपना थर्ड दो से दो किलोग्राम ये हीफर है जो बछिया है जो दिखाई देती है अगला आता है लास्ट क्वेश्चन है भैंस की वह नस्ल जिसकी आंखें सफेद होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है भैंस की ऐसी ये देखिए तीन सौ आंसर भी बता देती है एक देखो जो गाय होती है उसके अंदर मुख्य रूप से ढाई सौ से दो सौ सत्तर किलोग्राम और तीन वर्ष का जो एवरेज जो वजन होता है वो 300 किलोग्राम होता है तो 300 किलोग्राम या इससे जो है वो 20 30 परसेंट बीस तीस किलोग्राम कम है तो ये आंसर अपना राइट आंसर है अगर ये ऑप्शन में नहीं आता है तो 300 किलोग्राम आता है ये आंसर साढ़े तीन सौ वाला अपने नहीं जाएगा आंसर दो आंसर आपको ध्यान रखने हैं अगला देखिए है, नेक्स्ट क्वेश्चन भैंस की वह नस्ल जिसकी आंखें सफेद होती हैं फर्स्ट ऑप्शन आता है मुर्रा सेकेंड नीली रावी थर्ड है सूरती फोर्थ आती है महसाना भैंस की एक ऐसी नस्ल बतानी है जिसका जिसकी आंखें सफेद होती हैं फर्स्ट आती है मुर्रा सेकंड आती है नीली रावी थर्ड आती है सूरती फोर्थ आती है महसाना। सूरती बता रहे हैं आंसर अशरफ है नीली रावी बता रहे हैं लखन है दो बता रहे हैं सिसपाल है वो दो बता रहे हैं कुछ नीली रावी बता रहे हैं कुछ तो आंसर बता रहे हैं चलिए देख लेते हैं क्या नीली रावी है? सेकंड एक ही ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर है आपका नीली रावी जो है उसकी आंखें सफेद आंखें होती हैं और सफेद आंखों को कहा जाता है मुर्रा के अंदर के अंदर मुख्य विशेषता इसके जलेबी आकार अधिक कसकर मुड़े हुए पाए जाते हैं इसके अलावा इसे ब्लैक ब्यूटी के नाम से भी जाना जाता है डेली बफेलो भी इसको कहते हैं तो ये भी अपना आंसर नहीं है सूरती जो है इसके सिंह हसी होते हैं जो इसकी इंपॉर्टेंट करैक्टर होती है सफेद आंखें इसकी नहीं पाई जाती है सूरती की महसाना है वो ट्रिपल द्विशंकर संकरण का उदाहरण है मुर... ये जो नस्ल है एम एम एस है मुर्रा और सूर... म... महसाना जो नस्ल है वो मुर्रा और सूरती के क्रॉस से डेवलप की गई है जिसे महसाना कहते हैं द्विशंकर संकरण से राइट आंसर है अपना नीली रावी नीली रावी देखो कैसी दिखाई देती है इसकी सफेद आंखें दिखाई दे रही है आपको ये आँखें जो है ऐसी सफेद रंग की होती हैं इसी के कारण इनकी सफेद आंखों को क्या कहा जाता है वो लाइज कहा जाता है और ये जो नस्ल है पंजाब के फिरोजपुर जिले में पाई जाती है उत्तरी क्षेत्र की नस्ल है उत्तर क्षेत्र में आने वाली जो ये नस्ल है उत्तर भारत में आती है मुर्रा नीली रावी और कुंडी उनमें से तीनों ही नस्लें हैं उनका मुख्य रूप से पंजाब उत्पत्ति स्थान है और ये पंजाब के फिरोजपुर जिले में पाई जाती है और इस नस्ल के पंच कल्याणी के नाम से भी जाना जाता है इस नस्ल के अंदर सफेद आंखें पाई जाती है जिन्हें कहा जाता है है ये अपना राइट आंसर है। तो राइट आंसर है अपना सेकंड ये अपने ट्वेंटी क्वेश्चन है आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास है वो हॉर्टिकल्चर की सोनू सर की क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर वो आपके पास आने वाले हैं चलिए बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तब तक के लिए